वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं, क्लास 11th का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टडी करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट मास परसेंटेज, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शंस और मोलैलिटी। इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब देखो, मास परसेंटेज हो या कोई भी चीज हो तो ये हमेशा एक्सप्रेस होती है हमेशा सॉल्यूशन के लिए। अब सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, जो कि क्या होते हैं, दो कंपोनेंट मेन मानते हैं हम, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये हम सभी को पता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को यदि हम मिलाते हैं तो क्या मिलता है, हमारे पास सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है नहीं। अब देखो, हमारे पास क्वेश्चन आता है कि उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या, एक्सप्रेशन ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, मीन्स सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। देखो, डिटेल में तो हम इसको पढ़ते हैं क्लास 12th में, चैप्टर आपका पूरा सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ मेन टॉपिक दिए हुए, जैसे आपके पास मास परसेंटेज है, मोलैरिटी है एंड मोलैरिटी है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं कि मास परसेंट क्या होता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि कोई हमारे पास सॉल्यूशन है वो ए प्लस बी से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए प्लस बी। तो उसका मतलब क्या है कि इन दोनों को आपने मिलाया और यहाँ पे क्या बन गया आपका सॉल्यूशन, क्या बन गया सॉल्यूशन। अब ये क्या हो सकता है कि होमोजीनियस भी और हेट्रोफी दोनों हो सकते हैं, क्योंकि जो आपका जो पहला टर्म्स है मोलैरिटी मोल मास परसेंटेज, वो एक्सप्रेस कर सकता है दोनों को। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास ए प्लस बी को मिलाया तो ए प्लस बी का क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, लेट इट इज द होमोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है नहीं। अब अगर हम कह रहे हैं कि इसके अंदर ए का कितना परसेंट है, अब हमें पता है कि जब भी किसी का परसेंट निकालते हैं तो क्या करना होगा हमें, उसके लिए उसको 100 से कंपेयर करते हैं। हमारे पास अगर ये 100 होता, मींस 100 ग्राम, 100 किलो या कुछ भी, तो हम क्या मान चलते कि हमारे पास 100 ग्राम में कितना है। तो अगर हम कह रहे हैं कि ए प्लस बी दोनों को मिला के जो मास आएगा वो कितना आएगा, ऐसे केस में हमेशा 100 ग्राम, क्या मानेंगे, 100 ग्राम। ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर हम कह रहे हैं कि मास परसेंट क्वेश्चन है तो उसका मतलब क्या है कि दोनों का जो मिलकर सम कितना आएगा वो 30 ग्राम है, तब जाके क्या बनेगा, 100%। अब अगर हम कह रहे हैं कि ए का मास परसेंट, तो इस पूरे 100 ग्राम में ए का मास परसेंट क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ द ए, तो मास ऑफ द कंपोनेंट जिसका हमें निकालना होता है, ठीक है नहीं। और अपॉन क्या आएगा, टोटल मास, अपॉन क्या आएगा, टोटल मास, तो टोटल मास में हमेशा क्या आएगा, 100 ही आएगा, और इनटू क्या हो जाएगा, 100। अगर आपके पास 100 ग्राम है तो क्या आएगा, 100 आएगा, अगर अलग है तो क्या आएगा, वो डिफरेंट आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मास परसेंट ऑफ ए, तो मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ द ए प्लस बी इनटू 100, क्या हो जाएगा, मास परसेंट। अब अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि 30% एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन, एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि एक हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है जो किसका बना हुआ है, ग्लूकोज एंड वाटर का। तो यहां पे क्या है, ग्लूकोज प्लस वाटर को हमने क्या बना दिया, एक सॉल्यूशन बना, क्या बन गया वो, एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर हम कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, तो हम कह रहे हैं कि 30% एक्वस ग्लूकोज, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 30% क्या है, ग्लूकोज है, 30% क्या है, ग्लूकोज है, और रेस्ट ऑफ क्या है, वाटर है। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर वाटर कितना हो गया, तो वाटर क्या होगा इसके अंदर, 70%, क्या हो गया, 70%, तो वेरी सिंपल। अब अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास ग्राम में कितना हो जाएगा, तो 30 ग्राम क्या हो जाएगा, इसके अंदर ग्लूकोज है और प्लस 70 ग्राम क्या है इसके अंदर, वाटर है। तो 70 ग्राम क्या है इसके अंदर, वाटर है, तो इसके अंदर सॉल्यूट क्या है या सॉल्वेंट क्या है, मास परसेंट को इससे मतलब नहीं है। अब हमने क्या करा कि दोनों को सम कितना करना होता है, 100, और दोनों का डिफरेंट क्या आएगा, अलग अलग आता है, ठीक है नहीं। अब देखो, इस तरह के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो क्या होते हैं, कंपाउंड में पूछता है कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है तो उसके अंदर वो परसेंट कितना होता है, ठीक है नहीं। तो उस कंडीशन में क्या करना होता है हमें, तो उस कंडीशन में लेट जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड मास परसेंट, मास परसेंट इन वाटर, तो हमें क्या निकालने, हर एटम्स के मास परसेंट निकालने, सिंपल है। तो
तो देखो पहला काम क्या होता है कि ऐसे कामों में आप क्या निकालेंगे, वाटर का मोलर मास। तो वाटर का मोलर मास क्या होता है, 18 U, मतलब यूनिफाइड मास। अब हमें पता होने कि ग्राम मोलर मास क्या होते हैं। तो यदि हमारे पास एक ग्राम, अगर हमारे पास एक मोल वाटर हो तो उस मोल, एक मोल वाटर में कितने ग्राम वाटर होंगे, 18 ग्राम, ठीक है ना। तो जो किसी भी एलिमेंट का मोलर मास होता है उसी को हम कहते हैं ग्राम मोलर मास भी कह सकते हैं, ग्राम मोलर मास। तो उसका मतलब क्या है कि वाटर का ग्राम मोलर मास कितना होगा, 18 ग्राम। अब इसका मतलब क्या है कि सारा का सारा जो वाटर है वो 18 ग्राम है, तो इसको हम 100 मानेंगे, हमें करना है इसको 100 करना है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, अब हमें क्या पता है कि इसके अंदर क्या है, तो क्या लिखेंगे, कंटेन। तो क्या क्या कंटेन है हमारे पास, 2 ग्राम, 2 ग्राम क्या है इसके अंदर, देखो H मतलब 2 × 1, तो 2 ग्राम क्या है इसके अंदर, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम है या हाइड्रोजन है सिंपल। और हम कह रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, तो कितना बचा हमारे पास, 16। तो 16 ग्राम क्या होगा इसके अंदर, ऑक्सीजन। इसी कॉन्सेप्ट से हम क्या निकाल पाएंगे कि इसके अंदर हाइड्रोजन का मास परसेंट क्या है, हाइड्रोजन का मास परसेंट क्या है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास यदि हमें क्या निकालना है, हाइड्रोजन परसेंटेज, ठीक है, 18 ग्राम वाटर कंटेन हाइड्रोजन इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे इसके आगे, 2 ग्राम, और 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम वाटर विल कंटेन, तो 2 अपॉन 18, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। और हम कह रहे हैं कि हमारे पास 100 में कितना होगा, अगर हमने इसको 100 मान लिया तो 100 में क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 18 × 100। तो इससे क्या निकल के आएगा, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। अब ऐसे अगर हम निकालना हो तो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन परसेंट क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, देखो आपके पास 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम विल कंटेन 16 अपॉन 18, तो क्या हो जाएगा, 16 अपॉन 18, और इंटू क्या हो जाएगा, 100, इंटू क्या हो जाएगा, 100, ठीक है ना। तो इससे क्या निकल के आएगा, दोनों का मास परसेंट या कंपोजिशन परसेंट, कंपोजिशन परसेंट। तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्म, सिंपल क्वेश्चन था। अब हमारे पास एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है कि अगर हमारे पास क्या है कि Na2SO4, इसमें हमें क्या निकालना है, सोडियम के या सल्फर के या ऑक्सीजन के क्या निकालने, मास परसेंट। तो पहला काम क्या होता है इसका, मोलर मास निकालना, वो क्या बन जाएगा, ग्राम मोलर मास। तो 2 × सोडियम प्लस 1 × सल्फर है यहाँ पे, प्लस 4 × क्या है, ऑक्सीजन। जब भी आप मोलर मास निकालने बीच में सम लगा लेते हैं जिससे इजी आता है। तो हमारे पास एक सोडियम का एटम का मास कितना है, लेड 23 है, अप्रोक्स क्या 23 होता है, प्लस एक सल्फर कितना होता है, लेड 32, और यहाँ पे क्या होता है, 16, तो क्या हो जाएगा ये 46 प्लस 32, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64, क्या हो जाएगा, 64। तो ऐड करके क्या हो जाएगा, 10, और ये क्या हो गया आपके पास, 2, तो 12 हो गया, और कितना हो गया, 9, और 4 13, और ये क्या हो गया हमारे पास, 14। ऐड चेक कर लेना, इट मे बी एरर, कुछ भी सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, 142 U, या क्या देंगे इसको, 142 ग्राम, ठीक है ना। अब देखो हमें बताया कि इस 142 ग्राम सोडियम में, Na2SO4 में कितना सोडियम है, तो हमें दिख रहा है कि बोर्ड पे हमारे पास सोडियम कितना है, 2 है, तो 142 ग्राम Na2 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, कार्बोनेट सल्फेट है कंटेन। तो हमारे पास सोडियम कितना है, तो सोडियम कितना है हमारे पास, 2 × 23, कितना हमारे पास, 46। तो 1 ग्राम में क्या हो जाएगा, 46 अपॉन 142, और यदि 100 ग्राम होता तो कितना हो जाएगा, 46 अपॉन 142 × 100। तो इससे क्या निकाल पाएंगे आप, सोडियम परसेंट, क्या निकाल पाएंगे, सोडियम परसेंट। सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं, सल्फर का, सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का, ठीक है ना। तो ये क्या आपके पास मास परसेंट टाइप के छोटे छोटे क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, मोलारिटी। तो पहले हम बात कर रहे हैं मोलैलिटी, तो मोलैलिटी एंड मोलारिटी दोनों हम किसको एक्सप्रेस करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन या किसी का भी सॉल्यूशन जो क्या बन जाए, होमोजीनियस। तो जो आपके ट्रू सॉल्यूशंस हैं वहां पे नॉर्मली क्या यूज करते हैं,
मोलारिटी एंड मोलिडी। तो नॉर्मली अगर आपको दे रखा है कि दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, तो ज्यादातर क्या होती है मोलारिटी या मोलिटी में। अब देखो दोनों में क्या फर्क है, दोनों का फर्क का फॉर्मूला क्या है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट दोनों में क्या है सेम है, ठीक है नहीं। अगर हम बात करेंगे किसकी मोलारिटी की भी, तो वहां भी क्या है और इसके नीचे क्या आता है, देखो यहां पे क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट और किसमें लेना आपको उसको हमेशा किलोग्राम में। और यहां पे क्या है हमारे पास, यदि हम यहां पे निकालते हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दोनों का पार्ट क्या होगा सेम हो गया, अपॉन क्या हो जाएगा वॉल्यूम इन लीटर। तो दोनों में क्या फर्क है, देखो यहां पे क्या है सिर्फ किसका नीचे आता है डिनोटर क्या है हमारे पास वेट ऑफ द सॉल्वेंट, और यहां पे क्या है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये बात करता है पूरे सॉल्यूशन की। और यहां पे क्या है आपके पास मास परसेंट से आप क्या निकाल सकते हैं वेट वाले को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ने? अब यदि हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है कि 30% ऑफ द ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो उसकी मोलारिटी निकालिए, क्या निकालिए उसकी मोलारिटी, ठीक है नहीं। और बाद में क्या निकालेंगे हम उसके लिए मोलारिटी। तो अगर आपको दे रखा है कि 30% ग्लूकोज सॉल्यूशन फाइंड द मोलारिटी, तो इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। अगर हम कह रहे हैं कि 30% तो इसका मतलब इसके अंदर सॉल्यूट क्या हो गया ग्लूकोज है, और वो कितना है 30 ग्राम, कितना हो गया, तो ग्लूकोज की हमें क्या निकाल लें मोल्स, तो मोल्स क्या हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, क्योंकि हमें क्या निकालने मोल्स, तो मोल्स क्या हो जाएगा, तो गिवन मास कितना हो गया इसका 30, जितना भी परसेंट में दे रखा होता है सारा का सारा क्या हो जाएगा इसका ग्राम में, तो कितना हो गया 30 अपॉन इसका मोलर मास, यदि आप निकालेंगे ग्लूकोज कितना होता है 180, 180 होता है तो 180 होता है, तो ये क्या हो जाएगा इसके मोल्स, ये क्या होगा इसके मोल्स। जब हम निकालेंगे मोलरिटी तो क्या हो जाएगा 30 अपॉन 180, या इसको नीचे ले लेंगे 30 अपॉन 180। अब हमें क्या देख रहा है कि जो हमारे पास सॉल्वेंट क्या है इसके अंदर ज्यादा क्या है इसके अंदर वाटर है, और वाटर कितना है इसका रेस्ट पार्ट क्या होगा 70, तो 70% कितना है इसके अंदर वाटर है, तो कितना हो गया 70 ग्राम, और हमें निकालना है इसको किलोग्राम में, तो क्या करेंगे इसको 70 × 10³⁻³ kg, तो क्या बन जाएगा वेट ऑफ द सॉल्वेंट, तो यहां पे लिखेंगे इसको 70 × 10³⁻³ -3 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 30 अपॉन 180, और यहां पे क्या आ जाएगा 70 और इंटू, और यहां पे क्या हो जाएगा 100,000, तो ये क्या आ जाएगी मोलिटी, और इसको डिनोट किससे करते हैं मोलर में, तो अगर यहीं पे लिखा हुआ है मोलर मास, अगर यहीं पे लिखा हुआ है 0.1 मोलर LOLL, तो उसका मतलब क्या है कि दैट्स मोलैलिटी, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि हमारे पास मोलैलिटी क्या होता है। अब देखो मोल्स मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोलैलिटी को हम कहते हैं कैपिटल M से, और ये क्या N अपॉन V। अगर हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि आपको मास परसेंट के हिसाब से मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, तो मास परसेंट के हिसाब से मोलैलिटी निकालनी बहुत आसान है, मोलैलिटी निकालनी भी आसान है, ठीक है। अब देखो ऐसे केस में क्या है कि हमारे पास के टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन तो कितना हो जाएगा इस परसेंट वाले केस में, हमेशा 100, और क्या मान लेंगे इसको 100 ग्राम, परसेंट का मतलब 100 ग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब हमें क्या देखना होता है कि इस वाले केस में आपको एक चीज और दिया थी दैट्स डेंसिटी, तो अगर आपको देखा है कि डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन देखा है मैंने 1.04 ग्राम पर एमएल, तो इस वाले केस से आपको देखना होता है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूले क्या होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, तो मास कितना मानेंगे हमेशा 100, और यहां पे क्या हो जाएगा ये डेंसिटी, तो कितना हो जाएगा 1.04। अब ये हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो किसमें आएगा एमएल में, किसमें आएगा एमएल में, तो हमें क्या निकालना होता है इसको लीटर में, तो क्या कर लेंगे इसको इनटू क्या हो जाएगा 10³⁻³, और ये क्या बन जाएगा फिर अब ये लीटर, क्या बन जाएगा लीटर। अब देखो हमेशा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा मोल्स अपॉन वॉल्यूम, अब मोल्स को ऐसे छोड़ देंगे, वॉल्यूम की जगह क्या आएगा हमारे पास ये आएगा, तो 100, ठीक है नहीं, ऊपर क्या जाएगा
1.04 डेंसिटी गई तो क्या क्या देंगे इसको, डेंसिटी इंटू क्या जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, क्योंकि ये कहां पर नीचे, वॉल्यूम कहां पर नीचे, तो ये कहां पहुंच जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा ये, तो एन मोल्स इंटू डेंसिटी और इंटू क्या हो जाएगा ये 10। तो अगर आपको मास परसेंट वाले क्वेश्चन दे रखे हैं तो उस केस में आप मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इंटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड इंटू टेन। तो इससे क्या निकल के आएगी हमारे पास, मोलैरिटी जो है चुटकियों में निकल जाती है। तो इसको मतलब क्या है कि मोलैरिटी हम कैसे निकाल पाते हैं मास परसेंट वाले क्वेश्चन में, इस तरह से। अगर हमारे पास सिंपल दे रखा है तो उसको निकालना सिंपल होता है, बट थोड़ा सा परेशानी करता है कि हमारे पास जब डेंसिटी दे रखी होती है, क्या दे रखी होती है, डेंसिटी जो प्रोवाइड करी जाती है, तो हमें कैसे निकालना पड़ता है, इस तरह निकालते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह जो आप जो है इसके ऊपर क्वेश्चन निकाल के देखना और प्रैक्टिस करके देखना तो बहुत आसान है, आप निकाल पाएंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हमने क्या कवर करा है कि जो आपके मास परसेंट के बिहाव पर मोलैरिटी और मोलैरिटी कैसे निकाल पाते हैं। तो आई होप सो माइंड में आपको स्ट्राइक करा होगा, और आपको माइंड अगर थोड़ा सा स्ट्राइक करता है तो अगर आप इस वीडियो को 4 से 5 बार रिपीट कर देखते हैं, इजीली देखते हैं और एंजॉय के साथ देखते हैं, तो आप ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे कि मोलैरिटी निकालना कितना आसान है विद द हेल्प ऑफ मास परसेंट, ठीक है ना। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक एंड शेयर करें और घर पे रहें और सेफ रहें।